of animals. Mid last one. Number one, three tigers. Number two. ये माँ हिंदी क्लास हो रही है सुबह सुबह. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी जहाँ होंगे हैरियत से होंगे. तो मैं भी अभी आया था कार पार्क में अपना बाइक लेने, तो मैंने सोचा साथ में व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं. तो आज मौसम भी बहुत प्यारा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी धूप निकली हुई है. अभी तकरीबन टाइम हुआ है 11:30 का और माशाल्लाह सूरज बिल्कुल सर पर आया हुआ है, और इसकी वजह से आज तकरीबन मौसम बहुत ही प्यारा और ठंड वगैरह कुछ भी नहीं है. ये आप देख सकते हैं सूरज बिल्कुल ही अभी सर पे आया हुआ है और कितनी प्यारी धूप निकली हुई है माशाल्लाह. आज इसलिए बिल्कुल भी ठंड नहीं है, मौसम बहुत ही प्यारा है यहाँ पे आज. ये रहा मेरा बाइक, अभी तकरीबन रेडी कर दिए काम पे जाने के लिए. नॉर्मली मैं उठ सुबह 5:30 जाता हूँ, फिर कुरान पाक और नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा सो जाता हूँ, और फिर तकरीबन 9 बजे उठता होता हूँ. पर आजकल माहिन की क्लास है, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल वगैरह बंद हो चुके हैं, इसलिए उसकी ऑनलाइन क्लासेस घर से ही हो रही हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा जल्दी उठना पड़ जाता है. और क्योंकि वैसे भी काम मेरा तकरीबन स्टार्ट होता है यहाँ के 11:30 बजे के बाद ही, जल्दी स्टार्ट करने का इतना फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ऑर्डर वगैरह बहुत कम होते हैं. तो जैसे कि अभी 11:30-12 बजे खाने का टाइम भी हो जाता है, तो इसके साथ ऑर्डर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं. तो किताब का भाई मौजूद है ओ साउथ चंकवानो, और ये मेरे पीछे बिल्डिंग है खपरी, और ये यहाँ की सबसे प्यारी बिल्डिंगों में से भी एक बिल्डिंग है. और मैंने सोचा कि आपको ये एरिया भी साथ में दिखा दूँ. तकरीबन ये सारा एरिया भी अभी प्राइवेट ही है, अभी कुछ हिस्सा तो बन चुका है और कुछ हिस्सा अभी बनना रह गया है, और उधर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है. तो चलें फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ का कुछ व्यू. ये है खपरी का एंट्रेंस, इसको ओ साउथ भी बोलते हैं. ये इसके बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं. तकरीबन ये सारी बिल्डिंगें प्राइवेट हैं, और ये जो सामने ये स्कूल है, ये फ्रेंच इंटरनेशनल स्कूल है. और इसी के साथ अगर हम इस साइड पे आएँ तो ये अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, और यहाँ पे हो सकता है इमिग्रेशन बन जाए आने वाले टाइम में. और ये है कंस्ट्रक्शन साइट का ऑफिस, जो इनके ऑफिस होते हैं वो मोस्टली एक साइड पे होते हैं, और फिर उसके बाद ये मेन कंस्ट्रक्शन साइट है वो यहाँ पे है जहाँ पे इनका काम चल रहा है. तो ये जो खपरी है ये तकरीबन यहाँ में सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट बिल्डिंगों में से बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ के अंदर जो बनाया गया है विलास टाइप बड़े बड़े घर हैं, और जो माहौल दिया गया वो सारा फॉरेस्ट का है, जैसे आगे पीछे जंगल है और दरमियान में इन्होंने बेंच वगैरह लगाए हुए हैं. अंदर जाके दिखाता, पर अगर यहाँ पे ऐसे है कि आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है अगर आपको कोई काम नहीं है, तो इंशाल्लाह कभी अगर इधर अंदर चक्कर लगा तो मैं यहाँ पे भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा. तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हांगकॉन्ग के मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब सूरज आ जाए और कब चला जाए और फिर बादल छा जाए. तो आज भी आप ये पीछे देख सकते हैं कि सुबह जब मैं निकला तो कितनी धूप थी, और अभी इस वक्त बिल्कुल भी धूप नहीं रही, और बादल धूप की जगह बादलों ने ले ली है. तो इस वक्त अभी हवा भी साथ चल रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो गई है. तो मैं यहाँ पे रुका था क्योंकि ये मेरे पीछे आप एक पहाड़ देख सकते हैं. तो देखें इन्होंने ये माशाल्लाह कितना प्यारा ये काट काट के ना इसके ऊपर जाने के लिए जगह बनाई हुई है. ये इन्होंने पहाड़ को काट काट के ना ये ऊपर जाने के लिए जगह बनाई हुई है. ये
ये आप देख सकते हैं, एक दो तीन और ये चार रो हैं, वो ऊपर तक पहाड़ की चोटी पर जाने का रास्ता है। तो ये काफ़ी लंबी हाइकिंग के लिए भी जगह बनाई गई है, यहाँ पे आप हाइकिंग कर सकते हैं। ये तकरीबन वहाँ पीछे से शुरू होती है और ये तकरीबन बहुत बड़ा रास्ता है ऊपर पहाड़ के ऊपर जाने के लिए। और ये जो पहाड़ है इसके बिल्कुल ही अपोजिट साइड पे, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कॉलेज है। ये भी यहाँ पे तकरीबन बड़े कॉलेजों में से एक कॉलेज है और इसका नाम है कैराटास इंटरनेशनल कॉलेज। और ये मेरे पीछे हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इधर भी बच्चों के साथ ज्यादती की गई है। यहाँ पे भी ये जो स्लाइड्स वगैरह पीछे लगी हुई हैं तकरीबन बंद हो गई हैं कोरोना की वजह से। और पहले तो इन्होंने बोला था कि सिर्फ 2 हफ्तों के लिए बंद करेंगे, पर अभी इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट मंथ की तकरीबन 4 तारीख तक, तो अगर हालात कंट्रोल में आ गए तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये दोबारा खोल देंगे। यहाँ पर भी तकरीबन 7 बजे टाइम हो गया, 3 बजे का, और तकरीबन इसी वक्त मैं घर भी जाता हूँ तो खाना वगैरह खाने के लिए, तो चलें फिर घर की साइड चलते हैं। तो मैं यहाँ पर रुका था, मैं कहीं आपको ये पहाड़ वगैरह दिखा दूँ कि कितना प्यारा लग रहा है। और तकरीबन वही बात है, बादल आ गए तो उसकी वजह से मौसम और प्यारा हो गया और जो व्यू होता है वो और खूबसूरत हो जाता है। तो ये हो गया आपका भाई रेडी, तो अभी चलते हैं फिर। मौजूद हूँ मेट्रोटाउन रेजिडेंटल बिल्डिंग्स के अंदर, तो मैंने कहा यहाँ पे यहाँ से भी आपको इनका व्यू चेक कराता हूँ कि कितना प्यारा व्यू है। माशाल्लाह ये व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है इनका। प्राइवेट रोड, इसकी तकरीबन 60 से भी ऊपर फ्लोर है। निकला था तो घर आने के लिए, पर मैं घर नहीं आ पाया था क्योंकि रास्ते में आते हुए मुझे दोबारा मेट्रोटाउन का ऑर्डर मिल गया था, इसलिए फिर मुझे वापस मेट्रोटाउन जाना पड़ गया। तो तकरीबन अभी यहाँ पे हुआ है टाइम 4 बजे का और मैं अभी घर पहुँचा। ये मेरी प्रिंसेस सो रही है, ये मेरे कमरे से बाहर का व्यू, माशाल्लाह कितना प्यारा है। आगे दिखा रहे थे कि हो सकता है कि बारिश भी हो। अभी तकरीबन यहाँ पे टाइम हुआ है 6 बजे का और हम दोबारा नीचे आ गए काम के लिए। और तकरीबन मैं तो अभी तक वेट कर रहा हूँ ऑर्डर का, मेरे पास तो नहीं है, पर बिलाल भाई को ऑर्डर मिल गया, अभी वो जा रहे हैं। तो ये बिलाल भाई तैयारी कर रहे हैं जाने की, और ये रहा उनका बाइक। सही है फिर।
देख सकते हैं ऊपर बादल छाए हुए हैं। अभी तकरीबन 6:30 का टाइम है, अंधेरा भी पड़ गया और इस वक्त साथ में हवा चल रही है जिसकी वजह से अभी इस वक्त बहुत ठंड हो गई है वापस। तो मैंने सोचा था कि आज इतना मौसम ठंडा नहीं है, पर जब नीचे आया हूँ तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, तो इसकी वजह से अभी हाथ मेरे बिल्कुल ही सो चुके हैं। तो और घर से आते हुए दूसरी जैकेट डालना भूल गया, ये पतली वाली डाल के आ गया हूँ, तो जिसकी वजह से अभी हालत बहुत ख़राब हुई है। और ठंड की वजह से इस वक्त बाइक चलाना भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, तो क्योंकि मैंने ग्लव्स वगैरह भी नहीं डाले हुए, और पर क्या करें अभी फिर साथ साथ काम भी करना है, और मैंने सोचा साथ साथ व्लॉग भी कंटिन्यू करते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ। तो चलें फिर अभी चलते हैं, मुझे अभी ऑर्डर आ गया, अभी अगला ऑर्डर करते हैं। ये आ गया मेरा बाइक, तो अभी मैं आया था बाइक में पेट्रोल डलवाने, तो क्योंकि कल फ्राइडे और मैं फ्राइडे को छुट्टी करता हूँ, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादातर जुमरात की रात को पेट्रोल फिर डलवा देता हूँ, ताकि फिर सैटरडे को जब काम शुरू करूँ तो ईजी रहूँ और फिर यहाँ पर आना ना पड़े। तो अभी मेरे भी वैसे ये डलवा के तो छुट्टी करनी थी। ये मेरे पीछे यहाँ का पेट्रोल पंप है, पेट्रो चाइना, और इस साइड पे है शेल वाले, तो तकरीबन दोनों से डलवा लेता हूँ, पर आजकल ज़्यादातर पेट्रो चाइना से डलवा रहा हूँ। यहाँ पे तकरीबन आपको पेट्रोल डलवाने के लिए ऐसा कार्ड दिया जाता है जो जब भी आप पेट्रोल डलवाएंगे तो ये आपसे लेंगे, और इसकी वजह से आपको तकरीबन काफ़ी डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। अभी मैं भी पेट्रोल डलवा चुका हूँ, तो फिर चलते हैं घर की साइड। तो पेट्रोल डलवाने के बाद अभी मैं पार्किंग में वापस आ गया हूँ और अपना बाइक भी पार्क कर दिया है। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो जब घर से निकला हूँ तो दूसरी जैकेट लेना भूल गया हूँ, जिसकी वजह से अभी हालत बहुत ख़राब हो गई है। पर और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी के साथ आज का व्लॉग फिर यहीं ख़त्म करते हैं, और इन्हीं दुआओं के साथ ख़त्म करते हैं कि जा रहे हैं खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहें, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर अल्लाह हाफिज़।